أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات. یہ سورہ دخان کی آیت ہے اور اتائے باقی ہدایہ کا ظاہری لفظ کا ترجمہ بھی توجہ سے خالی نہیں ہے. وہ ایک دعوت فکر ہے اور فرصت میں یقیناً آپ کے دل و دماغ کو مشغول کرنے کے لیے کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو سب پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نہ جانتا ہو، یہ نہیں کہ کوئی نہ پہچانتا ہو. یعرفون نعمت اللہ، سب کے سب جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے. ثم ینکرونہا، پھر بھی منکر، پھر بھی منکر ہیں. اور اس لیے منکر ہیں، وہ اکثرہم الکافرون، کافرون اس لیے کہ ان کی اکثریت کافر. اس سے زیادہ واضح آیت نعمت الہی کے سمجھنے میں اور نعمت الہی کے پہچاننے میں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے شاید ہی کوئی اور درس اس سے بہتر ہوگا، یا اس سے زیادہ شاید ہی کوئی اور آیت واضح تر ہوگی. نعمات الہی کی معرفت فطرت انسان ہے. اگر انسان ہے تو احساس رکھتا ہے، وہ احساس اس کی قوت دراکہ تک پہنچتا ہے، اس کا ادراک اس کا علم بن جاتا ہے، اور وہ علم یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر طرف میرے ارد گرد اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. یہ ہوا، یہ فضا، یہ روشنی، یہ نور، یہ اندھیرے، یہ دن کا استراب، یہ رات کی خاموشی، یہ زمین و آسمان کی گردشیں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ چاند کا ایاب و ذہاب، یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ تاروں کا چمکنا اور جگمگا کر پھر خاموش ہو جانا، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ انسان نعمت کو نعمت جان کر انکار نہ کرے. نعمت اسی لیے ہے کہ یہ خود انسان کی ساختہ و
परदाख्ता चीजें नहीं है। उसने न अपने आप को बनाया, न अपने माहौल फितरी को बनाया, न उसने हवाएं चलाई, न उसने बारिश के नुजूल में कुछ अपनी तरफ से जिद्दत की, न वो अपने इर्द गिर्द अपने मनाफे को ढूंढ सका, न अपने मजर्रात को दफा कर सका। तो हुसूल नफ़ो दफ़े ज़रर में हमेशा उसने अपने से एक माफोक हस्ती को पाया कि जिसके हुक्म व ईमा व इशारत से उसके इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया है कि जिस दुनिया की वजह से ये जी रहा है, सांस ले रहा है, अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है आने वाहिद के लिए। इस नेमतों के सिलसिले में से एक नेमत मुनकता हो जाए तो मौत वाकई हो जाए, एक नेमत भी मुनकता हो जाए तो मौत वाकई हो जाए। वो जान रहा है कि इंसान आज जो अना की मंजिल पर है, जो यह कह रहा है कि मैं हूं मैं, तो यह भी तो सोचे कि क्या उसने अपने आप को बनाया? नहीं। ये जो कह रहा है कि मैं हूं, क्या यह अपनी मौत को रोक सकता है? नहीं। न आना इख्तियार में है, न जाना इख्तियार में है, न मर्ज इख्तियार में है, न सेहत इख्तियार में है, न गुजरती हुई घड़ियां इख्तियार में है, न जवानी को रोक सकता है, न किसी वक्फे हयात पे रोक सकता है कि यह रोक ले कोई अपने वक्त को, नामुमकिन है। तो ऐसी सूरत में हर आन हर लम्हा इंसान तालिब है इलाही नेमतों का, और ये जान रहा है कि नेमतों में मदारिज है, मदारिज हैं, और ऐसे मदारिज हैं कि उनका एहसा नहीं हो सकता। एक नेमत से दूसरी नेमत तक, दूसरी नेमत से तीसरी नेमत तक लाखों दर्जे हैं, लाखों दर्जे हैं। इरशाद हुआ कि इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह की नेमतों को तो गिन ना सकोगे, ऐसा ना कर सकोगे। इतनी नेमतें हैं कि ये कहने की बात नहीं है, मुशाहिदा है। हर नफस नेमत है, हर सांस नेमत है, हर हरकत नेमत है, हर सुकूत नेमत है। ये नेमतें न हो तो हयात नहीं है। बातें बड़ी बड़ी फलसफे की हैं, बातें बड़ी बड़ी साइंस की हैं कि हमने ये कर दिया ये कर दिया, सब कुछ मुमकिन है, सुनते जाते हैं, लेकिन लेकिन एक ऐसे माहौल में जो कुदरत का आतिया है हम बसर करते हैं, देखते हैं तो नेमत उसी की है, सुनते हैं तो उसी की दी हुई नेमत है, चखते हैं तो उसी की दी हुई नेमत है, बोलते हैं तो उसी की दी हुई नेमत है, महसूस करते हैं तो उसी की दी हुई नेमत है, सुनी हुई देखी हुई चखी हुई चीजों से नतीजा निकालते हैं तो उसी की दी हुई नेमत है, और उसके बाद अकल जब ताकुल की मंजिल पर आकर काम शुरू करती है तो उसी की नेमत है, और जब अकल जज्बे की सूरत अख्तियार करके इरादा बन जाए, और जब इरादा अमल की सूरत अख्तियार करे तो वो भी उसकी नेमत है। और इसके सिवा कुछ आपने देखा कि अमल एक जज्बा चाहता है, जज्बा इरादा चाहता है, इरादा एहसास के तालिब है, एहसास इस बात का तालिब रहता है हमेशा कि इंसान की कुव्वत दर्राका आगे बढ़ जाए और हिस करे, महसूस करे। ये सब उसकी दी हुई नेमतें हैं, ये सब उसके अताया हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। आज हम इस मुख्तसर सी सोहबत में सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन नेमतों को कंपार्टमेंटल करके देखें, तबकात अलग अलग करके देखें कि कौन सी नेमत सबसे ज्यादा अहम है। इस फुर्सत में देखना नेमत है, सुनना नेमत है, सूंघना नेमत है, चखना नेमत है, बोलना नेमत है, सांस लेना नेमत है, जिंदगी बसर करना मिलजुल कर नेमत है। इंसान मदनी उत्तबा है, शहर में रहता है वो भी एक नेमत है, अजीजों से बातें करता है वो भी एक नेमत है, तनमिया तजिया तौलीद मसल ये सब उसकी नेमतें हैं, राहत ले रहा है, गिजा को जज्ब कर रहा है, दफा कर रहा है अपने उन चीजों को कि जिससे मजरत को महसूस करता है, ये सब नेमतें। मगर ये सिलसिले नियम में क्या क्या ये अमर है कि जब इंसान बारगाह में रब्बुल इज्जत की वापस जाए तो ये सब पूछा जाएगा?
कितनी सांसें ली थी, कितनी मर्तबा देखा था, कैसे चखते थे, हवा कैसी चलती थी, पानी कैसे बरसता था, क्या कयामत में यह सब पूछा जाएगा? इसलिए कि आयत मौजूद है, सुम्मा लतुस अलिन्ना या उमैदिन अलिन्नाइम, कयामत में पूछा जाएगा नियमतों के मुताल्लिक। यह पूछा जाएगा कि देखा क्या था, चखा क्या था, खाया क्या था, पिया क्या था। अरे दस्तरखान करीम का है, खिला के पूछेगा, खिला के पूछेगा, दाद चाहेगा कि बताओ मैंने क्या खिलाया था, करीम है, यकीनन नहीं पूछेगा, इन उमूर के मुताल्लिक नहीं पूछेगा। इसलिए जब कयामत में यह पूछा जाएगा कि नेमतों के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल, तो ऐसे मौके पर यह लाजिम हो जाता है कि दुनिया में उस सवाल के लिए इंसान आमादा होकर जाए कि अगर यह पूछा जाए कि नेमत से तुमने क्या फायदा उठाया, तो धोखे में जवाब देने वाला न रहे कि किस नेमत के मुताल्लिक पूछ रहा है। इसलिए कि फितरत इंसान पुकारेगी कि सवाल किस नेमत के मुताल्लिक हो रहा है, फितरत इंसान पुकार उठेगी कि सवाल किस नेमत के मुताल्लिक हो रहा है। इरशाद होता है यारिफूना नेमत अल्लाह, इनको इल्म है, अल्लाह की नेमत का इल्म है, मगर इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो देखना यह है कि किन किन नेमतों का आपने इनकार किया, कौन सी ऐसी नेमत थी जिसका इनकार किया। कोई है अकलमंद आदमी जो बसारत की नेमत का इनकार कर दे, समाअत की नेमत का इनकार कर दे, कुव्वत ज़ायका की नेमत का इनकार कर दे, कुव्वत दर्राका की नेमत का इनकार कर दे, कोई है ऐसा अकलमंद इंसान? नहीं, इंसान तो नेमतों को तस्लीम करता है, मगर इम्तियाज नेमत वही है कि नेमत आए और इंसान इनकार करे। तो जहां से इनकार शुरू होता है वहां से नेमतों को पहचानो। जहां से आदमी इनकार करे, जहां तक मानता जाए सब मुत्तहिद है। जहां से इनकार शुरू हुआ आपने टटोलना शुरू किया, कुरेदना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि यह नेमत है और इसका इनकार क्यों हुआ, यह नेमत है इसका इनकार क्यों हुआ। तो एक अजीब बात है, जैसे कि इंसान के लिए मुमिद जिंदगी और मुआविन हयात होने की वजह से हवा नेमत है, पानी नेमत है, बिल्कुल उसी तरह इंसान के लिए मुमिद हयात अक्ली और मुआविन हयात रूह ही होने की वजह से इंसान की दोस्ती भी नेमत है। वक्त कम है, इसलिए हम अब इजाज से काम लेंगे, यानी जैसे जरूरत है इंसान को हवा की, पानी की, बिल्कुल उसी तरह इंसान के हयात अक्ली और हयात रूही के लिए इंसान को जरूरत है दोस्त की। बगैर दोस्त के जिंदगी नहीं है, हयात अक्ली नहीं है, और दोस्त वो जो अच्छे बुरे की तमीज करवा दे, दोस्त वो जो अपनी दोस्ती से मुतासिर करे, रहे हक पर ले जाए, दोस्त वो जो उयूब को गिनवा दे, जो बुराइयों को बतला दे, दोस्त वो जो दोस्त की बुराई न चाहे, दोस्त वो जो हर आन हर लहजा दोस्त का मुमित तो मुआविन रहे। बड़ी नेमत है अगर कोई मिल जाए, अगर कोई मिल जाए दोस्त तो बड़ी नेमत, और फिर बासर दोस्त बड़ी नेमत है, कवि दोस्त बड़ी नेमत है, मुश्किलों को हल करने वाला दोस्त बड़ी नेमत है, आड़े वक्त में काम आने वाला दोस्त बड़ी नेमत है, बिगड़ी को बनाने वाला दोस्त बड़ी नेमत है। मैं जवाल पजीर हूं, मुतगैर हूं, हर आन बदलता हूं, और अगर ऐसा दोस्त मिले जो जवाल पजीर ना हो, मुतगैर ना हो, मेरी मदद करे, मेरे बाप दादा की मदद कर चुका हो, मेरी नस्लों की मदद करने वाला हो, इससे बेहतर कौन दोस्त हो। अकुल की बात है, अकुल की बात है, यही वजह है
के इंसान और जाहो दौलत तलब करने वाला इंसान दौलतों से लिपटता है, हुकूमतों से लिपटता है, यह समझ के कि सहारा मिलेगा, मुझे सहारा मिलेगा, मेरी नस्लों को सहारा मिलेगा, अगर वफादार रहूं तो शायद मेरे लिए सलाह व फलाह के और बहबूदी के इंतजाम हो जाएंगे, इसलिए कि ताकतवर इदारा है, कवी इदारा है, किसी से दबकर चुप होने वाला इदारा नहीं है, किसी की बात में आने वाला इदारा नहीं है, मदद करेगा। यहीं से एक राह निकल जाती है उन इंसानों की जो अपने मफादात की खातिर अपनी जिंदगियों को इस तरह से वक्फ कर देते हैं। लेकिन हम चूंकि नेमतों का जायजा ले रहे हैं, इसलिए ये अर्ज किया कि सबसे बड़ी इंसान की नेमत अक्ल है, सबसे बड़ी नेमत अक्ल है, न हो अक्ल तो हैवान है। अक्ल की नेमत से इंसान इंसान, और सबसे बड़ी इंसान की जिंदगी का अहम तरीन वाकया वो यही है कि किस तरह से वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है, किस तरह से अपनी अक्ल से काम लेता है, और फिर सबसे बड़ी इंसान की जिम्मेदारी उस ताकुल की हिफाजत है, उस ताकुल की हिफाजत। अक्ल का काम क्या है, बहुत तवज्जो से सुनिए, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपको मोल्ड कर रहा हूं, आपको किसी सांचे में ढाल रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फिक्र पेश कर रहा हूं उस पर तनकीद कीजिए, तबसरा कीजिए। अक्ल का काम यह नहीं है कि हाथ थाम के आपको बुराई से हटाए और नेकी की तरफ ले जाए, यह अक्ल का काम नहीं है। अक्ल का कतअन काम यह नहीं है कि आपको शर से रोके खैर की तरफ ले जाए, अक्ल का काम है हुक्म। अकल सिर्फ हुक्म लगाती है, और हुकमा ने कहा, फलसफियों ने कहा कि अकल का काम यह हुक्म लगाए सोहबत के असर पर, अकल का काम इतना है कि हुक्म लगाए सोहबत के असर पर, अच्छी सोहबत अच्छा असर, बुरी सोहबत बुरा असर, यह अकल का काम है। यही सारे दुनिया के फलसफियों का फैसला है कि रीजन का काम यह है, रैशन का काम यह है कि हुक्म लगाए, यह अच्छा है यह बुरा है, यह अच्छी सोहबत है यह बुरी सोहबत है, यह अच्छा माहौल है यह बुरा माहौल। इसलिए कि इंसान की तमद्दुनी जिंदगी का सारा दारोमदार अच्छे और बुरे माहौल पर, अच्छी और बुरी सोहबत पर, अच्छी और बुरी दोस्ती पर। तो अब इंसान की नेमत आला अक्ल, अक्ल की हिफाजत इसी में है कि इंसान के लिए अच्छी सोहबतें और अच्छी दोस्ती मैसर हो, अच्छी सोहबतें अच्छी सलाहियतों के साथ अच्छे दोस्तों का वजूद, ये मोहतनम है, बड़ी गनीमत चीज है अगर मिल जाए, अगर मिल जाए और अगर इंसान को मैसर आ जाए। यह वो नेमत है कि जिसके मुतालिक अब मजीद तफसील की जरूरत नहीं, बशर्ते के दस्तियाब हो। अब अगर मैं आप या कोई साहिब अकल किसी मजमे में यह कहे, देखिए इस बात को आप याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे, ये आज इस मजलिस से यह पैगाम मुख्तस है ताकि आप याद रख सकें, आप या कोई आप में से कोई बुजुर्ग किसी जगह खड़े होकर यह कहे, क्यों अच्छे आदमियों की सोहबत के मुतालिक, अच्छे आदमियों की दोस्ती के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, वो कहेगा बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत मुनासिब ख्याल है, बड़ी जरूरत है ये, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सोहबत अच्छी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर वालों के मिलने जुलने के तरीके संभल जाए, अच्छे दोस्त मिले, किसकी तमन्ना नहीं है। अगर आपने ये कहा कि क्या ख्याल है अच्छे इंसानों का असर अच्छा पड़ता है, वो कहेंगे बेशक। अगर आप ये कहेंगे क्यों क्या ख्याल है कि ज़ी इल्म इंसान, ज़ी अक्ल इंसान के पास उठने बैठने से अक्ल व इल्म में इजाफा होता है, दुनिया ये कहेगी बिल्कुल सही। और अगर आप ये कहेंगे कि इंसान के कमाल का वाहिद जरिया ये है कि उसको दोस्त कामिल मिले, तो सब अक्ल वाले आपका साथ देंगे, सब अक्ल वाले आपका साथ देंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि ऐसे ही जी अक्ल और कामिल दोस्तों की मोहब्बत से इंसान की नजात वाबस्ता है, तो दुनिया बराबर साथ देगी, दुनिया कहेगी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं।
मगर एक अजीब बात यह है कि आप जब तक ये कहते रहेंगे जी अकल की दोस्ती, कामिल की दोस्ती, जी इल्म की दोस्ती, शुजा की दोस्ती, सादिक की दोस्ती, वादा वफा करने वाले की दोस्ती, तो दुनिया बराबर आपका साथ देती रहेगी। और जहां आपने इन तमाम सिफात को कुछ इंसानों में बताने की कोशिश की और कहा आले मोहम्मद, जहां आपने सिफात को सिंबलाइज किया, जहां आपने सिफात के लिए ममसल ढूंढा, ये शुजा, ये सादिक, ये वफा करने वाले, ये सादिकुल कौल, ये ज़ी इल्म, ये ज़ी अक़ल, तो अब यहां से वो जो अब तक इस बात में सर जुम्बिश कर रहा था अब इनकार की मंजिल पर आएगा, अब इनकार की मंजिल पर आएगा। पहले तो खामोशी होगी इसलिए कि आपका इस्तदलाल सही था, और उसके बाद अब वो गौर करेंगे कि इन्होंने क्यों इन हजरात का नाम लिया, इन सिफात को क्यों सिंबलाइज किया, क्यों उमूमियत न रखी, अच्छे दोस्त, कामिल दोस्त, जी इल्म दोस्त, जी अक्ल दोस्त, मदद करने वाले दोस्त, सादिकुल कौल दोस्त, वादा वफा करने वाले दोस्त, उमूमियत अच्छी थी। मगर जहां आपने नाम ले लिया आले मोहम्मद, यारेफून नियमत अल्लाह सुम के रू रहा, अल्लाह की नियमत का एतराफ करते हुए इनकार करते हुए, आपने सुन लिया, ये है आपका सही तारुफ। दुनिया कहां से अलग हो रही है, दुनिया कहां से अलग हो रही है, उसी मंजिल से जहां अफराद आए, जहां तक आपने सिफात बयान किए, जहां तक आपने वजाहतें की फलसफियाना अंदाज में, हकीमाना अंदाज में, दुनिया ने कहा बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। और जहां आपने एक घराने को पेश किया, यह घराना, यह घराना, तो नेमत का इकरार करते हुए, नेमत को पहचानते हुए इनकार कर दिया, इनकार कर। अब पूछिए, आगे बढ़ जाएं क्योंकि अमली जिंदगी, अब पूछें कि भाई हमने नाम तो ले लिया था, जी अकल हस्तियों का, जी इल्म हस्तियों का, सादिकुल कौल हस्तियों का, अमानतदार हस्तियों का, अल्लाह की इबादत गुजार हस्तियों का हमने नाम ले लिया था, नेमत को नेमत जानते हुए आपने इनकार किया, हटा दीजिए इस खानदान को, अब इस खानदान को हटा दीजिए और इस खानदान की जगह किसी और खानदान को रख के हमारे दिलासे का इंतजाम कीजिए। ये रात को भी कह चुका, फिर अब कह रहा हूं, लाए दुनिया उस घराने को जो इस घराने का बदल बन जाए। देखिए आप मसूल होंगे इंदल्ला अगर आप इस वाकये को और इस तकरीर के इस हिस्से को भूल जाएं। ये अहम तरीन जुजो है इस गुफ्तगू का कि जो आपकी मारिफत के लिए जरूरी है। लाए कोई उस घराने को मिन हैसिल जमा, कोई पूरे घराने को लाए, पूरे घराने को लाए, फिलहाल अफराद की गुफ्तगू नहीं है, पूरे घराने को लाए, बनी तमीम को लाए, बनी अदी को लाए, बनी हाजन को लाए, बनी असद को लाए, बनी उमैया को लाए, बनी अब्बास को लाए, आले सासान को लाए, आले सामान को लाए, और फिर तुर्काने तातार को लाए, शाहियों को लाए, शहनशाहियों को लाए, मगर मिन ऐसी तबका लाए, पूरे तबके को लेकर, कहिए घर बहुत गौर से सुनिए, पूरे तबके को लाए। आप यकीनन कहेंगे कि एक तबका है, एक तबका है, और जाहिर है कि हमारी सर आंखों पर वो तबका, हमारे लिए नूर निगाह वो तबका, हमारे लिए अजमत एहतराम का मरकज है वो तबका, रसूल के साथियों का तबका है, लाए। मगर वहां भी कुरान ने मिन हैसित तबका, उनके तमाम तर मगफिरत की जिम्मेदारी नहीं ली। बहुत गौर से, रसूल के साथियों का तस्करा किया, पूरे साथियों का तस्करा किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلس فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار محمد الله کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں سخت ہیں کافروں پر آپس میں رحیم ہیں اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں ان کی مثال تورات میں ہے انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ ایک باغ ہے باغبان نے اس میں محنت کی ہے اس میں تخم ڈال دیے گئے ہیں اس میں کوپلیں نکلی ہیں وہ کوپلیں پودوں کی صورت اختیار کرتی ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے درخت ہو گئے اور وہ باغ بہت ہی بہار پر پہنچا یہاں تک کہ کسان خود دیکھ کے متعجب ہو گیا کہ میرا لگایا ہوا باغ کیسا ہے یہ مثال تورات و انجیل میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اس پوری معیت کے گروہ میں سے وہ لوگ جو ایمان اور سم عمل صالح کی منزل پر کامل ہیں منہم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم سب کے سب نہیں من حیث طبقہ نہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما اجر عظیم اور مغفرت اس گروہ میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر ہیں من حیث طبقہ نہیں بخشیں گے من حیث طبقہ نہیں بخشیں گے بلکہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم ان میں سے بعض کو جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر آئے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے یعنی من حیث طبقہ آپ ایک قبیلے کو تو کیا پیش کرتے مختلف قبائل سے افراد کو چن کر آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی تو قرآن نے کہا ان سب کو نہیں بخشیں گے ان میں سے بعض کو بخشیں گے جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر ہے میں اس گھرانے کی گفتگو کر رہا ہوں جہاں من حیث طبقہ کمال ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا آپ نے دیکھا یہاں من حیث طبقہ طاہر ہیں یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بعض طاہر ہیں بعض طاہر نہیں ہے وہاں یہ کہا کہ ہم بعض کو بخش دیں گے جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر کامل ہیں بہت غور سے سنیے اور نعمتوں کی جب گفتگو آئی تو ترقی ہے ہم تو نعمت کاملہ چاہتے ہیں نعمت کاملہ چاہتے ہیں یہ بھی نعمت نہیں مگر یہ نعمت معیت ہے نعمت معیت ہے جس نعمت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ نعمت منیت ہے معیت و منیت کی منزل بہت اہم ہے معیت کسی مقام تک آگے بڑھتی ہے کہیں رک جاتی ہے منیت ہمیشہ ساتھ ہے ہمیشہ ساتھ ہے اس لیے جب ہم نے یہ کہا کہ اچھی دوستی اچھی محبت اچھے طریقے زندگی کے اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ جبکہ کامل افراد سے ربط ہو دنیا نے ساتھ دیا جہاں نام لیا دنیا نے انکار کر دیا بس یہی ایک جھگڑا چل رہا ہے اس دن سے آج تک اچھائیوں کو تو سب مان رہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ کوئی اور ہے تو کہیں ادھر سے چن لیا ادھر سے چن لیا ادھر سے چن لیا اور اس میں بھی اتمام کمال نہیں ہے وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ جن جن کو چنا بھائی بہت غور سے سنیے جن جن کو چنا بنیا سب سے ایک کو چن لیا کسی ایک نام کو لیا کہا صاحب یہ دیکھیے کامل ہستی مگر چونکہ بنی اسد کو چنا بنی تمیم بگڑ گئی ہمارے قبیلے کا نہیں ہے بنی تمیم سے کسی کو چنا بنی عدی بگڑ گئے ہمارے قبیلے کا نہیں ہے بنی عدی سے کسی کو چنا بنی اسد بگڑ گئے شاہیوں سے کسی کو چنا بعد میں آنے والی شاہیاں بگڑ گئیں کہ وہ سب بادشاہ غلط تھے اقتدار میں یہی ہوتا ہے ایک خاندان کو چنا دوسرا خاندان بگڑ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس کی پیکار اور آپس کے تصادم میں وہ جذب جس جذب کو باقی رہنا چاہیے تھا محبت کی صورت میں تاکہ ہر آن انسان استفادہ کرے وہ جذب نہ مل سکا وہ جذب پیدا نہ ہو سکا اس لیے نام تو بڑے بڑے پیش ہوئے
औलिया के नाम आए, सूफिया के नाम आए, मजूबीन के नाम आए, उरफा के नाम आए, फलसफियों के नाम आए, इमामुल नहव, इमामुल मंतिक, इमामुल कलाम, तारीख ने सदा नाम रख दिए, मगर इनके दिलों से पूछो है किसी से मोहब्बत। बड़ी अजीब गुफ्तगू कर, यानी जिसको सबसे बड़ा और सबसे बड़ी मंजिल अता करते हैं, है मोहब्बत, है ताल्लुक, है रब्त, है ऐसा रब्त कि उनकी खुशी में खुशी, उनके गम में गम, है कोई नहीं। अब यह जिद की बात है कि हम इन नामों को पेश करते हैं, और चूंकि आपने इन नामों को पेश किया, हम इन नामों को पेश करते हैं, यह जिद की बात है। बाहर सूरत अब वो वक्त आ गया है कि इंसान सही तौर पर जायजा ले, अफराद का सही तौर पर जायजा ले। पैगंबर इस्लाम ने कुर्बा की आयत के बाद, आए तफहीर के बाद, मुबाहले के बाद पहचानवा दिया अफराद ये हैं, नाम ले लिया, सिंबलाइज कर लिया। यहां तक हो गई आसानी, यहां तक हो गई आसानी। जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ता चला तो अक्ल की मंजिल और इदराक की मंजिल में हैरानी नजर आई, मसाइल मुश्किल होते गए इमामत के। हुसैन इब्ने अली तक फिर भी दुनिया समझ गई कि चादर तफहीर में थे, कुर्बा में थे, मुबाहले में थे, पहचाने गए। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ गया इमामत का, अब इरफान में मुश्किल पैदा हो चुकी, और उस मुश्किल का हमको एतराफ है, हमको एतराफ है। अब सही तौर पर नेमतों को पहचाना न जा सका, इसलिए कि यजीद ने जो ठोकर खाई करबला में, उसके बाद से मुलूकियतों ने अलानिया अलानिया इस्लाम के लिबादे को उतार कर नहीं फेंका। मुलूकियतों ने यह चाहा कि रियासत भी रहे, ऐश भी रहे, इसलिए लिबादे को ओढ़कर इस्लाम के मुलूकियतें आगे बढ़ गईं, और मुलूकियतें यह नहीं चाहती थी कि उन अफराद का तारुफ होता रहे जो हर दौर में नेमत इलाही का मुकम्मल नमूना बनकर आए। चुनाचे इस तरह से मसला इमामत सख्त से सख्त तर होता चला। अग्यार के लिए तो बहुत ज्यादा, मगर दोस्तों के लिए भी कुछ कम सख्त नहीं था यह मसला। हुसैन का आरिफ उसी शान से सैयदुस साजिदीन का आरिफ ना हो सका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पहचानने वाला उसी शान से इमाम मोहम्मद बाकर का आरिफ ना हो सका, इमाम बाकर का आरिफ उसी शान से इमाम जाफर का आरिफ ना हो सका। और जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती चली, इंसान के लिए ताकुल की मंजिलें और सख्त होती चली, और यह तबका पुकारता चला, ये हुदात का तबका, ये हिदायत करने वालों का तबका पुकारता चला कि अब तुम्हारे मसाइल ताकुल के मोहताज, ताकुल के मोहताज। करबला ने तकसीम कर दिया, रास्ते अलग हो गए, रास्ते अलग हो गए। अब जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर कमाल ताकुल की जरूरत है, तमस्सुक चाहिए, मजबूती के साथ इस अम्र की जरूरत है कि दामन को थामे रहो, बहुत मुमकिन है कि मसाइल समझ में ना आए, और यहीं से कमाल अक्ल की बुलंदियों पर मसाइल पैदा होते रहे। मसला बदा, मसला रजात, मसला कजा व कदर, अदल इलाही, अहम तरीन मसाइल का सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसा मालूम हुआ कि एक एक दौर अब दावत इल्म देता हुआ आगे बढ़ रहा है, इंसान के लिए तरक्की लाजिम है। ऐसे में सन 202 हिजरी का जमाना आया, और यह वो मंजिल थी कि जहां एक तख्त पर, एक तख्त पर हमने दो हस्तियों को देखा। या तो हम इससे पहले देख चुके थे रिहाई के मौके पर यजीद को और आबिद बीमार, वो मंजिल और थी, और यहां जो देखा तो सब दो में, तो हमने देखा मामून रशीद को अली इब्न मूसा रजा, और ये वो मंजिल है कि जहां एक मर्तबा अब सही तौर पे तआरुफ की जरूरत है, हर एक अपने माहौल का, अपने निजाम का वाहिद नुमाइंदा है, हर एक अपने निजाम का वाहिद नुमाइंदा है। एक तरफ है इस्लाम का लिबादा, मगर वो किसी और से मीरास लेकर आ रहा है। यहां इमामत है,
ये किसी और का वारिस बन के आ रहा। और ऐसे मौके पर उलमाए दरबार सामने हाजिर, और उलमाए दरबार पूछते हैं फरजंद रसूल इस आयत के क्या माना है, सुम्मलुतुसअलुन्नयौमैदिनअनिन्नईम, के कयामत के दिन नेमतों से पूछा जाएगा। इमाम रिजा ने मामून के दरबार उलमाए इस्लाम से कहा, क्या तुम ये समझते हो कि खुदा खाने और पीने के मुतालिक सवाल करेगा? कहा नहीं, बताओ नेमत कौन सी है, बताओ कौन सी नेमत है जिसका मुतालिक पूछा जाएगा। तो कहा फरजंद रसूल यही तो समझना चाहते हैं, क्या तुम अपने में से किसी को यह कह सकते हो कि वो नेमत है? और ऐसी नेमत है कि दूसरे को एतराज न हो। मजमे में सन्नाटा था तो आपने कहा मामून वो नेमत हमारे मोहम्मद। नेमतों से पूछा जाएगा, यह अकीदा नहीं है, यह अकीदा नहीं है, बड़ी काम की बात है। इसलिए कि अगर नेमत और कमाल की मंजिल यह घराना है तो सिर्फ इनका नाम लेते रहना ही नजात का बाइस नहीं है, बल्कि कुछ और आगे भी है, मारिफत भी है, मारिफत के मदारिज भी हैं, कुछ सलमानियत भी है, बुजरियत भी है, अम्मारियत भी है, मैसमियत भी है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है, और इसी में इंसान का कमाल पिना है। मैं अब ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा। आज सफर की 17 तारीख है और यह तारीख मंसूब है अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाहि व सलामहु अलैहि, और इन्हीं के नामों में से एक नाम है गरीबुल गुरबा, गरीबुल गुरबा। इल्म का मरकज, ताकुल का मरकज, मारिफत इलाही का मरकज है। काम की बात यह है, काम की बात यह है कि दुनिया इन्फ्लुएंस चाहती है कि क्या इन्फ्लुएंस है, तो जिंदगी में क्या इन्फ्लुएंस देख रहे हो, मरने के बाद इन्फ्लुएंस देखो, मरने के बाद इन्फ्लुएंस देखो। और वो इन्फ्लुएंस ये है कि अगर इमाम रिजा का रोजा खुरासान में आज ना होता तो पूरा ईरान कम्युनिस्ट होता, पूरा खुरासान कम्युनिस्ट होता, और उस कम्युनिज्म की जद में पूरा पाकिस्तान आता। यह है असर, यह है इन्फ्लुएंस फकत रोजे का। मैं इसकी तफसील अगर करना चाहूं तो कई तकरीरें चाहिए कि ज्योग्राफी हैसियत से खुरासान में मतफंद बनाकर आले मोहम्मद की इस फर्ज ने हम पर क्या एहसान किया। ये जो ठंडी सांस ले रहे हो, ये जो इत्मीनान की सांस ले रहे हो, ये जो मजलिस व मातम में मसरूफ हो या और आमाल बजा ला रहे हो या मस्जिदों में नजर आ रहे हो, ये किसी और का सदका नहीं है। कहीं किसी ने रोका है लश्कर बातिल को? किसी ने लश्कर बातिल को रोका है? वरना दीनियत तहरियत, खुदा से बेदारगी, दीन से दुश्मनी यहां भी आम होती। फकत खैबर ही में मुकाबले पर नहीं आए थे, बाद शहादत भी जहां रह जाते हैं वो भी एक खैबर है, और उसको मरकज इल्म बनाया, मरकज ताकुल बनाया, मरकज दीन बनाया, कि वहां से दुश्मन का अबूर और मुरूर मुश्किल हो गया। एक अजीब बात, रात को कह रहा था कि दुनिया कहती थी कि इनमें वली नहीं होते, बात यह है जिसको जिसकी जरूरत होती है उस जरूरत की तकमील कहीं ना कहीं से हो जाती है। हमारी जरूरत सिर्फ यह लफ्ज विलायत से पूरी नहीं होती, हमको इमामत चाहिए, और वो इमामत जो तमाम औलिया के लिए मरकज बन जाए, और वो इमामत, बहुत गौर से सुनिए, वो इमामत जो शुरूत ला इलाह में से एक शर्त हो, शुरूत ला इलाह से एक शर्त हो, और ये 8वीं शर्त है, ये 8वीं शर्त है अली इब्न मूसा रज़ा। मामून एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहा है, अली इब्न मूसा रज़ा एक निजाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे मौके पर मामून इसरार करता है कि फरजंद रसूल
अब खिलाफत आप ही के लिए। इरशाद है, मामून जबर न कर, तूने चाहा मैं मदीने से आ गया, मैंने अपने घर अपने बच्चों को सब मदीने में छोड़ यह तनहा सफर किया इसलिए कि तू चाहे, मगर यह जबर न कर। मैं और यह निजाम हुकूमत, मैं और यह खिलाफत, मैं और यह मुलूकियत, यह आपस में मुत्तहिद नहीं हो सकते। उसने कहा फरजंद रसूल, अच्छा ऐसा कीजिए कि आप वलीयत भी कबूल कीजिए कि मेरे बाद आप। इरशाद फरमाया तेरे बाद मुझे जीना ही नहीं है। यानी यह तारीख है, यह तारीख है, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज। अर्ज किया फरजंद रसूल आप फिर जिद फरमा रहे हैं, कबूल कीजिए वली हदी इसलिए कि यह खुरासान है, ये आपके अबोजद को चाहने वाले हैं, ये ईरान है, ये आपके अजदाद के मोतकिद हैं, कम अज कम यही समझ कर कि मेरी हिफाजत हो जाएगी, कबूल कीजिए। अर्शाद मैं कैसे कबूल करूं, अल जफर वल जामिया यदुल्लान अला जिद्द जालिक, जफर व जामिया जिसका इल्म मेरे पास है दोनों इस बात की दलील बन रहे हैं कि मुझे तुझसे पहले मरना है इसलिए मैं कबूल नहीं करूं। उसने इसरार किया और ऐलान कर दिया गया कि इमाम मिर्ज़ा ने वली अहदी कबूल की इस शर्त के साथ कि इमाम शाही किसी मसाले में और निज़ाम ममलिकत के किसी एक कारोबार में किसी मामले में इमाम दखल नहीं देंगे, और ऐसे में ये एक साल कुछ महीने का जमाना इमाम का खुरासान में बोला, और ऐसे ही मौके पर देबल हाजिर खिदमत हुआ। देबल मशहूर शायर है आले मोहम्मद, और आया उस दिन या उस वक्त जबकि मुहर्रम शुरू हो चुका था। एक बात याद रखिए, इल्मी बहस है, हमारे पास जितने आसार हैं, जितनी फिका है, जितने मसाइल हैं, हमारे पास जितने मारिफ हैं, जितने मालिम हैं, उनका वाहिद सोर्स ये अली इब्न मुसर्रज़ा की जात है। हमने जो कुछ लिया है ये थ्रू इमाम रज़ा लिया है, इस वास्ते कि हमारे पास रिवायतों का सिलसिला आपको मालूम है, फिर शायद कभी अर्ज करूंगा, इमाम हसन अस्करी उन्होंने सुना इमाम अली नकी से, उन्होंने सुना तकी जवाद से, उन्होंने सुना इमाम रज़ा से, और इमाम रज़ा जब किसी वाक़े को बयान करते हैं तो अन अभी अन जद्दी करके बयान करते हैं कि मुझसे मेरे पदर ग्रामी ने कहा, उनसे उनके पदर ग्रामी ने कहा। जितने फिका है, जितने इबादत हैं, जितने अहकाम हैं, जितने हकायक हैं, मारिफ हैं, ये सब हमको इस इमाम से मैसर, इस इमाम से मैसर है। ये घराना इल्म का घराना, इल्म का घराना है, और इस घराने से हमारी मोहब्बत बेसबब नहीं है, बेसबब नहीं है, वजूहात हैं इसकी, वजूहात। अभी आप सुनेंगे कि यह घराना किस मंजिले कमाल पर है। इमाम रिजा ने अबू सलते हिरवी को बयान कर बुला के कहा मुहर्रम शुरू हो गया, और या बसल मेरी एक बात याद रख, वो ये कि गमे दुनिया अगर कभी रुलाए या मुसीबतों में कभी अपने आप को तू मुब्तला पाए तो उस वक्त सिर्फ मेरे जग का जिक्र कर। और इब्न शबीब से सराहत की, इब्न शबीब इन कुंत बाकियन अला शई फक अला जद्दी अल गरीब, इब्न शबीब अगर किसी बात पे रोना आए तो हुसैन पे रो लेना। काबूसल मैं चाहता था कि मेरे जद्द गिरामी की मजलिस हो, अबू सल्त ने कहा फतंद रसूल देबल हाजिर है, इरशाद फरमाया बुलाओ। देबल ने अपना मशहूर कसीदा मदारिस आयात का पेश किया, मदारिस आयात इन खलत में तिलावत, जहां वही आ रही थी वो दर्शगाहें आज वीरान पड़ी हैं। यहां से उस कसीदे को शुरू किया, इमाम रोते चले, मुसलसल आंखों से इमाम के आंसू बहते चले, और उसके बाद देबल ने कहा इस शान से कहा,
فاطم قومي يا ابنة الخير فندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي فاطمہ بی بی اٹھو آسمان کے تارے زمین پر پھیل گئے اور کہا شہزادی اس سے بڑھ کے اور کون سا مقام غم ہوگا کہ ایک ماں کے مختلف بچے مختلف قبرستانوں میں دفن ہیں قبور بکوفان و اخرى بطیبۃ و اخرى بفقنا لها صلوات جبل نے کہا کسی کی قبر کوفے میں کسی کی قبر مدینے میں کوئی فق میں دفن ہے اسی طرح سے زمین پر سادات کی قبریں پھیلی پڑی ہیں قبور ببطن نہر من جنب کربلا معرضهم فیها بشط فراتی آپ کے بطوں کی قبریں فرات کے کنارے ہیں وہاں آج تک نہ ہو ماتم ہو رہا ہے اس کے بعد دیبل چپ ہوا تو امام نے کہا کچھ آؤ دیبل نے کہا وہ قبر ببغداد لنفس زکیہ تضمنہ الرحمن بالخرفاتی ایک مظلوم کی قبر بغداد میں بھی ہے یعنی اشارہ کیا امام موسیٰ بن جعفر کی طرف اور اس کے بعد دیبل چپ ہو گئے امام نے سر کو بلند کر کے کہا ایک اور شعر کا اضافہ کر امام نے کہا ایک اور شعر کا اضافہ کر دیبل نے عرض کیا فرزند رسول میری نگاہوں میں آل محمد کی تاریخ ہے اب کس قبر کی طرف اشارہ کروں فرمایا لکھ وہ قبر بتوسن یا لہا من مصیبت اور ایک غریب کی قبر خراسان میں ہوگی اس نے شعر کو محفوظ کر لیا اس کیا فرزند رسول یہاں توس میں بھی کوئی قبر ہے توس میں بھی کوئی قبر ہے فرمایا ہاں دیبل ابھی نہیں ہے بنے گی بنے گی میں تیرے قصیدے کو مکمل چاہتا ہوں وقت گزرا زمانہ گزرا کچھ دنوں کے بعد ابو سلط ہروی بیان کرتا ہے کہ امام نے ابو سلط کو طلب کیا کہ یا ابا سلط میں یہاں تنہا ہوں عالم غربت میں ہوں میرے بچے ساتھ نہیں ہیں یا ابا سلط اب یہ چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں وہ یہ کہ کل صبح مجھے دربار میں طلب کیا جائے گا اس مقام پہ ایک بات یاد رکھیے ابو الکلام آزاد نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے شہادت امام رضا اور اس مضمون کا آخری حصہ یہ ہے کہ یہ تو قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کیا مگر یہ بھی یقینی ہے کہ مامون کا دامن اس قتل کے داغ سے پاک نہیں ہے یہ ابو الکلام آزاد کا فیصلہ ہے یہ بھی حق ہے کہ مامون کا دامن اس قتل کے داغ سے پاک نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں کہ یا ابو سلط صبح کو مجھے دربار میں طلب کیا جائے ابو سلط جب میں واپس آؤں اور ابا کو سر پر سے اوڑے ہوئے ہوں تو سمجھنا کہ مجھے زہر دے دیا جائے مجھ سے پھر کوئی گفتگو نہ کی جائے میرے پیچھے پیچھے آئیو گھر کا دروازہ بند کر دینا تاکہ میں عبادت میں اور ذکر الہی میں اس وقت کو گزاروں یا ابا سلط اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی مجھے غسل نہ دے کوئی مجھے کفن نہ پہنائے میرا وارث مجھے غسل دے گا میرا وارث مجھے کفن پہنائے ابو سلط ہروی بیان کرتا ہے کہ رات بھر میں تڑپتا رہا صبح ہوئی اور ایک مرتبہ حاکم کا دربان آیا اور یہ کہتے ہوئے آیا فرزند رسول
अदब अमीर। जब आप तो अमीर को, अमीर ने सलाम कहा है, कहा अच्छा हमको मालूम है, हमको मालूम है, हम आते हैं। कहा फरजंदे रसूल, अमीर ने सवारी का इंतजाम किया है। कहा कह देना सवारी की जरूरत नहीं, हम पियादा पाएंगे, हम पियादा पाएंगे। अबू सलमान भी बयान करता है कि इमाम ने फिर कलाम नहीं किया, उठे, लिबास पहना और ये कहते हुए चले बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता दरबार की तरफ चले, देखा कि दरबार में कोई नहीं है, तन्हा तख्त पर मामून बैठा हुआ है। इमाम पहुंचे, मामून ने तादीम की, हाल पूछा और कहा तख्त पर तशरीफ लाए, दाहने जानिब जगह दी। कहा फरमाए रसूल, मैंने आज अलसबा आपको जहमत इसलिए दी कि बहुत दिन हो गए आपको मदीने से आकर। फरमाए रसूल, बच्चे याद कर रहे होंगे, आपका कम सिन साहब ज्यादा आपको याद कर रहा होगा। मैंने मुनासिब जाना कि बात के लिए वापसी का सामान हो, आपके सफर का इंतजाम हो। फरमाए रसूल, आपका जी चाहता है ना मदीना जाना? फरमाया हाँ, अगर तू भेज दे, अगर जाने की इजाजत दे, मेरे बच्चे मेरे लिए तड़प रहे हैं। कहा फरमाए रसूल, मैंने इंतजाम कर दिया। ये कह के आवाज दी, कोई है? वो अंगूर जो मेरे लिए खास तौर पर आए हैं वो इमाम की खिदमत में हाजिर किए जाएं। अंगूर से भरा हुआ तवा दरबार में लाया गया। इमाम ने अंगूर को देखा, फिर मामून को देखा। मामून ने अपने हाथ से एक खोशा अंगूर को लिया, उसको अपने हाथ से तोड़ा, इमाम की खिदमत में पेश किया। कहा मामून, मेरे बच्चों को क्यों यतीम कर रहा है? फरजंदे रसूल, गुज़िश्ता डेढ़ बरस से मैं देख रहा हूं कि जिस मारूजे को मैंने पेश किया आपने इनकार किया, हमेशा आप इनकार करते रहे, आप हमेशा मेरी तौहीन और तजलील पर आमादा रहे। आपने दरबार में मेरी तौहीन की, आपने तन्हाई में मेरी तौहीन की, आखिर मैं पातशाह वक्त हूं, आपका इब्ने अम हूं, मैं आपकी तवाज़ो कर रहा हूं अंगूर से, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको कत्ल कर रहा हूं। इरशाद फरमाया, मामून, अगर तेरी मर्जी यही है तो मैं एक मरतबा फिर तुझ पे वादे कर दूं कि याद है एक जमाने में तू मुझसे कहता था कि मैं वलीअहदी को कबूल करूं, और मैं ये तुझसे कह रहा था कि मुझे तेरे बाद नहीं जीना है। मामून, यही हुआ ना, अब तन्हाई में तू सोच ले और अपने दिल को गवाह करके सोच कि क्या मैं सच्चा नहीं हूं, क्या मैं सादिकुल कौल नहीं हूं, क्या मैं ये नहीं कहता था कि मुझे तेरे सामने ही दुनिया से जाना है। मामून लरज उठा, मगर आदाब शाही का ख्याल करते हुए उसने कहा, फरजंदे रसूल, अब ये अंगूर तो आपको खाना ही पड़ेगा, तुम्हें यही मर्जी है तेरी। ये कह के पहले अंगूर को उठाया, दहने अक्दस में रखा और कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दूसरा अंगूर पहम उठाया, फिर दहने अक्दस में रखा, तीसरा अंगूर तसलसल से फिर उठाया, फिर जबाने अक्दस पर रखा, खड़े हो गए। फरजंदे रसूल, इस जल्दी में? कहा तेरा मकसद पूरा हो, तेरा मकसद पूरा हो गया, यही मेरे लिए काफी है। कहा फरजंदे रसूल, अब कहां का इरादा है? इरशाद फरमाया, वहीं जा रहा हूं जहां तूने भेज दिया। गरीब अल-गुरबा अली इब्न मूसा रज़ा, अगर जमाना साथ दे तो अजनबी बनकर ही सही, मगर जाओ मशहद को
अगर जमाना साथ दे तो गैर बनकर ही सही, मगर एक मरतबा देखो जलाल अली इब्न मूसा रज़ा को। हाजिब ने पर्दे को उठाया, अबू सल्त बयान करता है कि मैं सर से पांव तक लरज गया ये देखकर कि इमाम सर पर से हवा डाले हुए आए। मामून का मुलाजिम खास दौड़ता हुआ आया कि फरजंदे रसूल यादा न जाइए, पैदल न जाइए, सवारी हाजिर है। इरशाद फरमाया अब मैं सवारी का मोहताज नहीं, जिस तरह आया था उसी तरह जा रहा हूं, तेरी सवारी की एहतियाज नहीं। यह कह के चले, मगर अबू सल्त हरवी बयान करता है कि जैसे जैसे कदम उठते जा रहे थे मंजिल की तरफ, पाए अक्दस मुतवर्रिम होते जा रहे थे। जहर सलायत करता जा रहा था, कयामत का दहर था। घर पहुंचे, अबू सल्त ने दरवाजे को बंद कर दिया। इमाम दादान में तशरीफ फरमा हुए, अबू सल्त से कहा फर्श उठा दे, घर का फर्श उलट दिया गया। इमाम मिट्टी पर तशरीफ फरमा हुए, क़िबला रूह होकर सजदा शुक्र अदा किया, का परवरदिगार आले मोहम्मद की कुर्बानियों का सिलसिला है। उसके बाद अबू सल से कहा बाहर जाओ, मैं तन्हाई चाहता हूं, किसी को आने ना देना। अबू सल बयान करता मैंने दरवाजा बंद किया, बाहर बैठ गया, एक मरतबा देखा कि एक 8 बरस का साहबजादा जिसके सर पे हमामा नहीं था, जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ चला और मेरी तरफ देख के कहा अबू सल बाबा कहां है। मगर आके खैमे की